तो था जिसका इंतजार आपको तो वो लेकर आ चुका हूँ, पोको M6 Pro। यार पाकिस्तानी मार्केट में तो इसने आके धमाल समझ आ रही है। आज इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, पाकिस्तानी मार्केट में मिल कितने का रहा है उतने की बात करेंगे, और कैमरास और ओवरऑल क्या केस में ऐसा दिया गया है जो के लोग जो है वो पागल हुए पड़े हैं इस मोबाइल के पीछे। तो विदाउट एनी फर्दर डू चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मोबाइल फोन के लुक की। तो लुक की बात करें, कुछ अलग सा लुक इन्होंने प्रोवाइड किया है यहाँ पर, बाकी मोबाइल्स की तरह नहीं कि आईफोन की तरह छापे मारी जा रहे हैं सारे के सारे। खैर, इनका अपना ही एक अलग सा लुक है और काफी अच्छा और प्रीमियम किस्म का लुक यहाँ पर मुझे इनका लगा है। कलर्स की बात करें तो तीन कलर्स में यहाँ पर इन्होंने दिया है, ब्लैक, ब्लू एंड पर्पल। अच्छा, मजे की बात है इन्होंने ब्लैक, ब्लू, पर्पल ही दिया है। कुछ उनमें होता है वो सिलिकॉन ब्लू, तो पता नहीं कौन कौन सा ब्लैक, तो इस तरह से उन्होंने ढींगे डोंगे नहीं मारे, ब्लैक, ब्लू, पर्पल तीन कलर्स आ चुके हैं। मोबाइल की लुक की बात करें तो बिल्कुल स्लिम सा लुक आ रहा है, लुक लाइक जिस तरह से आपने अपने पास आईफोन होल्ड किया हुआ है, लुक लाइक वैसा ही है। और तीनों कलर्स की बात करूँ ना, कलर तीनों इसके जो है काफी डिसेंट और हैंडसम कलर हैं। बाज़ों का ऐसे मोबाइल फोन जो होते हैं उनके कलर्स आते हैं लुक लाइक जैसे कि बड़े अजीब से बिहेव करते हैं और काफी ज्यादा आपको एक आपकी आंखों को ना एक अलग सा एक रिव्यू सा लगता है, एक अलग सा एक फील सी आती है, उस तरह का नहीं है, बिल्कुल डिसेंट से कलर इनके हैं। और आप जो मर्जी ये कलर ले लो, तीनों कलर इनके काफी ज्यादा बेहतर हैं। कौन सी वेरिएंट में आया है ये? 12 GB रैम, 512 GB रोम के साथ ये मॉडल पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुई। लॉन्च डे जो पाकिस्तान में थी वो 18 जनवरी 2024 थी। कहीं अवेलेबल है, कहीं अवेलेबल नहीं है, अभी होने क्या वाला है मजे की बात आपको बताता चलूं। जिस तरह से इन्फिनिक्स नोट 30 की तरह हुआ था ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट वाले सेम वही टेक्निक अपनाएंगे यहाँ पर और इस मोबाइल को शॉर्ट कर देंगे। जब शॉर्ट करेंगे तो 1.5 लाख रुपए का ये लोग सेल आउट करेंगे। अभी जो इसकी रियल प्राइस यहाँ पर आई हुई है वो 90,000 की प्राइस टैग में आ रहा है। ऑनलाइन भी आपको कहीं ना कहीं से मिल जाता है, लेकिन अब मुझे ऐसा फील आ रहा है अंदर से कि ये लोग जो है ये मोबाइल शॉर्ट करेंगे और ये काफी ह्यूज अमाउंट में ये लोग सेल करेंगे। खैर, जो भी है यार, आपने बाय नहीं करना, क्योंकि ये मोबाइल फोन की प्राइस लुक लाइक नोट 30 की तरह एकदम डाउन होगी, गिरेगी। जो आपने पैंट का लिया था वो आप 40 में मिल रहा है, ब्रांड न्यू अगर अगर आप उसको बेचने जाओगे तो 32 में भी आपसे कोई भी नहीं खरीदेगा। खैर, खरीद भी लिया तो 32 से ऊपर कोई भी नहीं जाएगा, 32-37 या 35 से ऊपर कोई भी आपसे नहीं बाय करेगा। तो डिस्प्ले की अगर बात करें तो एमोलेड डिस्प्ले 120Hz के साथ आपको इसकी डिस्प्ले दी गई है, और काफी ह्यूज डिस्प्ले दी गई है, मतलब कि 120Hz काफी बेहतर है इसमें। प्रोसेसर की भी बात करते हैं, लेकिन अभी डिस्कस करते हैं इसकी चार्जिंग। चार्जिंग जो है वो 67W का आपको चार्जर दिया जाता है, अडाप्टर दिया जाता है, 5000mAh के साथ आपको बैटरी दी जाती है। अब यार मेरे ख्याल से 5000mAh से ज्यादा आप कंपनीज को बैटरी अपनी फॉरवर्ड करनी चाहिए, लुक लाइक 6 से ऊपर आप जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से यूजेज ज्यादा हो रही है उसी तरह से कंज्यूम भी बैटरी ज्यादा कर रहा है। लुक लाइक 120Hz की डिस्प्ले दे रहे हैं ये लोग, एमोलेड डिस्प्ले दे रहे हैं, तो उस डिस्प्ले के साथ इन्होंने बैटरी जो दी हुई ना, वो मेरे ख्याल से आज के जो फीचर्स आ रहे हैं वो मोबाइल में थोड़ा कम दे रहे हैं। बाकी और फीचर्स बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन बैटरी पे कोई भी फोकस नहीं कर रहा कि बैटरी भी इन्हें 5 से ज्यादा भी एक्सटेंड करनी चाहिए, क्योंकि अब बैटरी ज्यादा कंज्यूम हो रही है कंपेयर टू प्रीवियस मॉडल्स में। प्रीवियस मॉडल्स में इतना कुछ नहीं दिया जाता था जो कि अब मॉडल्स में दिया जाता है। लुक लाइक नोट 30 की बात करें, इसमें G99 प्रोसेसर के साथ आपको मिलता है, तो मतलब कि हैवी चीजें इसमें भी दी गई हैं। ओवरऑल और मोबाइल है कैमन 20 की बात कर लें, जितने भी मोबाइल आप इनमें हैवी प्रोसेसर और हैवी सॉफ्टवेयर आ रहे होते हैं, दैट्स द रीजन कि बैटरी इसकी ज्यादा कंज्यूम करते हैं। ये मेरे नहीं ख्याल के पहले किसी ने नोट किया होगा, लेकिन ये चीज मैं इस चीज को नोट कर रहा हूँ कि बैटरीज जो है ना इन सब मॉडल्स की तकरीबन ओवरऑल पाकिस्तान में जितने मॉडल चल रहे हैं सबकी एक जैसे ही आ रही है। प्रोसेसर की बात करें, हीलियो G99 दिया गया, अल्ट्रा दिया गया साथ में। अब पता नहीं है कि अल्ट्रा जो है G99 से काफी बेहतर परफॉर्म करता है लुक लाइक, या फिर G99 की तरह है। जिस तरह से नोट 30, इन्फिनिक्स नोट 30 और इन्फिनिक्स नोट 11 का कंपैरिजन किया था कि G88 में भी और G99 भी सेम चलती है, कुछ ना कुछ बस FPS का डिफरेंस आ रहा है, ज़्यादा डिफरेंस उसमें भी नहीं आ रहा होता। खैर, यहाँ पर अल्ट्रा का भी मैं भी थोड़ा बहुत ये सीन हो कि 99 और अल्ट्रा में कुछ FPS का डिफरेंस आ रहा हो, या फिर अल्ट्रा में सेटिंग्स में जाएं तो वहाँ पे मैं भी ये लोग अल्ट्रा आपको इनेबल कर दें। तो बैक में यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप यहाँ पर दिया गया है, 64MP इनका मेन कैमरा है विद आपको साथ में 8MP और साथ में 2MP ट्रिपल कैमरा यहाँ पर सेटअप दिया गया है। तो बैक वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ पर आप
1920x1080 में 30fps और 60fps दोनों पे शूट कर सकते हो, जो कि अच्छी बात है। फ्रंट कैम की बात करें 60MP सेम 1920x1080 में आप इसको 30 या 60fps पे इजीली शूट कर सकते हो। डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 फुल HD प्लस आपको यहाँ पे डिस्प्ले दी गई है, जो कि 2400x1080p में गिवन दी जाती है, और जो कि काफी अच्छी है। फ्रंट कैम की बात करें तो 5-volt डिस्प्ले आपको यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ पर एक मेन फीचर जो इन्होंने डाला है इसमें, वो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको यहाँ पर दिया जाता है। वैसे इन मॉडल्स में हमने देखा है कि साइड माउंट आपको फिंगरप्रिंट दिया जाता है, लेकिन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट जो कि काफी एक अच्छी एक हैंडसम और प्रीमियम किस्म की लुक आपको प्रोवाइड करता है, इन्होंने इस बजट में 512GB भी और 12GB के साथ इन्होंने दिया विद इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, और काफी अच्छी बात है। तो चार्जिंग की पहले से ही मैं बात कर चुका हूँ कि 67W का फास्ट चार्जर आपको दिया गया, जो कि आपकी मेरे ख्याल से 1 घंटे के अंदर अंदर में भी कर दे, हो सकता है इससे कम में कर दे, क्योंकि 67W है, ज्यादा फास्ट आपकी मोबाइल को यह चार्ज करेगा। वहाँ पे बैटरीज का थोड़ा सा उन्होंने मेंशन किया कि 5000 की मैसिव बैटरी, जो कि 9 hour प्लस वीडियोस आप चैट कर सकते हो उस पर, 17 घंटे प्लस हॉर्स जो है वो आप ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हो, जो कि इनकी तरफ से बयान किया गया है। यहाँ पर 8 hours ऑफ गेमिंग, मतलब 8 घंटे आप लगातार गेमिंग इस मोबाइल फोन पे 5000 बैटरी के साथ इजीली कर सकते हो। प्रोसेसर एंड जीपीयू की बात कर लेने, प्रोसेसर का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि Helio G99 अल्ट्रा है, और जीपीयू की बात करें तो यहाँ पर ARM Mali-G57 MC2, मतलब रेगुलर जीपीयू यहाँ पर दिया गया, लेकिन इस प्राइस टैग में मेरे ख्याल से जितने फीचर्स उन्होंने डाले हैं और जिस तरह का लुक दिया है कि काफी बेहतर भी है। ओवरऑल मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इससे, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि यार एक एक्स्ट्रा इन्होंने ये चीज यहाँ पर इंक्लूड किया कि 512GB रोम के साथ आपको 12GB यहाँ पर इन्होंने दिए, जो कि पाकिस्तानी मार्केट को अट्रैक्ट कर लेती है अपनी तरफ, और ये काफी अच्छा मूव है। पाकिस्तानी मार्केट को अगर चाहिए क्या, तो पाकिस्तानी मार्केट को एनालाइज करते हुए इन्होंने 256 के वेरियंट को डबल करके 512 में कन्वर्ट कर लिया, और 8GB जो कि रेगुलर पाकिस्तानी मोबाइल मार्केट में मोबाइल फोन में रैम आ रही थी, उन्होंने इसको 12GB कर दिया, और मेरे ख्याल से 12GB प्लस 12GB या फिर 6+6 वाले शश के इसमें नहीं होने वाले। तो ये एक अच्छा है कि यार इन्होंने 12+12 नहीं किया, या फिर 6+6 इज इक्वल टू 12 कर दिया, तो ये वाला शशका नहीं है, सीधे सीधे बात अभी 12GB 512GB, दैट्स इट। तो प्राइस टैग 90,000 पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुई है, पाकिस्तानी मार्केट में आई डोंट थिंक सो कि अभी आपको मिलेगा। कह लो तो ये लोग शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट करने के बाद फिर आपको एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव बेचेंगे। अगर एक्सपेंसिव करते हैं ये लोग तो यार ना खरीदो ना, क्यों खरीद रहे हो यार आप लोग, आपका दिमाग खराब है। पहले Note 30 का मैं बोलता रहा ना खरीदो ना खरीदो, जिन्होंने खरीदा अब वो 40 पर आ चुके हैं, और मार्केट में जाओ तो 32-35 का मिल रहा है आपको सेकंड हैंड में। तो ये सेम चीज यहाँ पर भी अप्लाई हो सकती है। तो यार ये आपने देखना है कि पाकिस्तानी मार्केट में एकदम से जो चीज यहाँ पर होती है ना, वो यहाँ से यहाँ आ जाती है। आपने माइंड में रखनी है कि यार ये चीज अगर इतने की मिल रही है तो इसको मैं क्या इतने का खरीदूं। क्या आपको ये चीज़ें जो मैंने बताई वो समझ आ गई होगी? अगर कुछ ना कुछ रह गया हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स है, इंस्टा पे DM कर लें तो मैं आपको वहाँ पर भी रिप्लाई कर दूंगा। तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, गुड बाय।